भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। हजारों लोग कोरोना से संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाली कोई भी टीका अभी तक नहीं बना है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी सावधानी से कोरोना को हराया जा सकता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि कैसे आप इस वायरस से खुद और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद है श्री मेडिसिन और श्री अनंत साई हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जो कि ऑर्थोपेडिक एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। तो शुरू करते हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश स्वराज सेहत। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। थैंक यू जी। थैंक यू। तो चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि क्या कोरोना हड्डी में भी कोई प्रभाव करता है? क्या कोरोना होने से हड्डियों में भी कोई प्रभाव होता है? देखिए, क्योंकि अभी एक नॉवेल वायरस है, जैसा आपने कहा था कि एक बिल्कुल नया वायरस है, तो सो फार अभी तक जो उसके इफेक्ट देखे गए हैं वो शरीर के हिस्से जैसे कि लंग्स में सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस जो उसका इन्वॉल्वमेंट है, सेकेंड इन्वॉल्वमेंट है इसका GI ट्रैक्ट में देखा गया है, अपने हाथों में देखा गया है और मस्तिष्क में देखा गया है, और मस्तिष्क के साथ जो इसके सूंघने की शक्ति और स्वाद की शक्ति कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है जी। तो इसके अलावा और कोई अंग में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है आगे ज्यादा रिसर्च हो तो और दूसरे अंगों में क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी जी। सुशील जी, मास्क को लेकर हम देख रहे हैं कि तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आप मास्क यूं ही सड़कों पर फेंक देंगे तो कई ऐसे जानवर हैं जो उसको मुंह में लेंगे और उन तक भी ये वायरस फैल सकता है। तो अगर मास्क की बात की जाए तो मास्क को कैसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मास्क के बारे में बता दूं, मास्क को लेके बहुत सारे मिथ हैं। कोई कहता है N95 मास्क इस्तेमाल करिए, कोई कहता है ट्रिपल लेयर कीजिए, कोई कहता है सिंगल लेयर कीजिए, कोई होता है होममेड कीजिए। तो बेसिकली आप डबल लेयर मास्क घर होममेड भी बनाते हैं तो अल्टीमेटली क्या निर्भर करता है कि उसका पोर साइज, जो उसमें जो बारीक से छिद्र हैं आपके मास्क में, वो उतने छोटे होना चाहिए कि वायरस उससे क्रॉस नहीं हो सके, चाहे आपके एंड से चाहे दूसरे एंड से भी अंदर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं आ सके। तो आप मास्क घर में कपड़े का मास्क बनाकर डबल लेयर, लेकिन डबल लेयर करना जरूरी है। अगर सिंगल लेयर आप मास्क बनाते हैं तो इफिकेसी उतनी नहीं रहेगी। दूसरा क्या होता है, लंबे समय तक अगर आप मुख में बांधे हुए हैं तो आपकी वेपर्स हैं जो आपकी सांस से निकल रही हैं, तो वो वेपर्स आपके जो सलाइवा के कारण अगर वो गीला आ जाता है मास्क, तो उसकी पोरोसिटी और कम हो जाती है। इसका मतलब है कि जो वायरस है या दूसरे जीवाणु जिसके प्रोटेक्शन के हमने लगाया हुआ है वो क्रॉस कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा मास्क लगाते समय ये सावधानी रखें कि डबल लेयर इस्तेमाल करें, अपने नाक और मुंह को अच्छे से कवर करें, और जब भी मास्क निकालते हैं तो आप कान वाले हिस्से जो उसका जो थ्रेड होता है उससे पकड़ कर निकालें। बीच में बार बार मास्क को टच ना करें, क्योंकि हमारा बेसिकली पर्पस ये है मास्क लगाने का कि हम प्रोटेक्ट करें अपने आप को और दूसरों को भी, अपने आप दूसरों को भी अपने आप से। तो आप हाथों से टच ना करें फाउच के जो सामने वाले हिस्से को जिसमें मैक्सिमम जीवाणु अगर जमा हो रहे हैं तो सामने वाला हिस्सा में जमा होंगे। जब भी आप निकालें, कान वाले हिस्से को बाहर निकालें, यूज करने के बाद आप डस्टबिन में चाहे डिस्पोज करें या बेहतर होगा उसे आप बर्न कर दें, जला दें, सो दैट तो उसमें अगर कोई जीवाणु उसमें चिपके भी होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। एक दूसरा है कि हम जरूरी नहीं कि हमारा जो एटमोसफेयर में इतने ज्यादा जीवाणु है जो उसमें इतनी मात्रा में चिपके हुए हैं कि हम कोई गाय या कोई अन्य जानवर खाता है तो उसको वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बारे में अभी कुछ निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई पशु उसका अगर सेवन कर रहा है, खा रहा है उसे, तो उसे कोरोना हो जाने का खतरा है। ठीक।
सुशील जी, मास्क की अगर बात की जाए तो खास तौर पर मास्क कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मास्क तो बेसिकली जो हम जो मास्क यूज करते हैं मेडिकली वो कॉमन ट्रिपल लेयर मास्क यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी या हम आईसीयू में जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रिपल लेयर मास्क इस्तेमाल करते हैं। वैसे जो मास्क होता है एक कपड़े का मास्क है, सिंगल लेयर है, ट्रिपल लेयर है और N95 है, ये एक मेडिकल जो मास्क यूज होता है। उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल मास्क भी होते हैं जिसकी बेसिक जो उनका डिफरेंस होता है पोरोसिटी का, पोरोसिटी का जो उनका जो जो अंदर जो पोर्स होते हैं उसके साइज पे डिपेंड करता है कि हमको किस प्रकार का प्रोटेक्शन चाहिए। स्पेसिफिकली अगर इंडस्ट्रीज यूज के हैं तो वहाँ के यूजली उस इंडस्ट्रीज में पोर साइज कितने साइज के पार्टिकल से हम एक्सपोज हो रहे हैं, तो उस साइज का उस पार्टिकल साइज को जो हम अंदर सांस में ले रहे हैं वो रुक जाए तो वो उस जगह की यूटिलिटी है। मेडिकल में हम वायरस और बैक्टीरिया के प्रिवेंशन के लिए बाहर से आ रहे हैं, प्लस हमारे जो ड्यूरिंग सर्जरी हम लोग सर्जरी करते हैं तो हमारे जीवाणु जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो जीवाणु है वो पेशेंट के जो ओपन हिस्सा है हमने सर्जरी के लिए ओपन किया हुआ है उसे इन्फेक्ट ना करे, तो उस प्रकार से इस डिजाइन का मास्क पहनते हैं कि वायरस या जो बैक्टीरिया है वो उसे क्रॉस नहीं हो सके। जी सुशील जी, आपने यहाँ पे कपड़े से बना मास्क का भी जिक्र किया है और भारत में एक बड़ी आबादी है जो कपड़े का बना मास्क यूज कर रही है, तो क्या कपड़े का जो बना मास्क होता है उसको धोकर दोबारा से उपयोग में लाया जा सकता है? जी बिल्कुल लाया जा सकता है। डबल लेयर जो हमने बनाया है मास्क अपना उसको आप धोकर अच्छे से सुखा कर उसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और सर्जरी की बात की जाए तो सर्जरी में कोरोना का कितना प्रभाव होता है? कि सर्जरी में बहुत सारे भी केसेस देखने के आए हैं। रिसेंटली मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो कैलकाटा में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने एक पेशेंट जो कि कोरोना पॉजिटिव था, प्राइमरी टेस्ट उसका नेगेटिव आया, उसे सर्जरी के लिए दिया गया, इमरजेंसी सर्जरी थी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया गया उस पेशेंट का। उसके बाद जो डॉक्टर ने उन्होंने सर्जरी की वो उनकी आयु लगभग 35 साल की थी, वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। जब वो कोरोना के इनके लक्षण दिखे, उनका टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव आया, तो फिर से मरीज का टेस्ट किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव आया। तो कहीं ना कहीं टेस्ट जो है हमारे फॉल्स नेगेटिव टेस्ट भी आ रहे हैं। तो ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन को और जो स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उनको एक्सपोजर और उनको कोरोना होने का बहुत ज्यादा खतरा है। चाहे जैसे कि एंडोस्कोपी करता है कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है तो, या एनेस्थेटिस्ट है जब वो ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को इंटुबेट करता है तो उस समय कोरोना फैलने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। या सर्जरी में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं मैं, अगर ड्रिलिंग करता हूं बोन में, ड्रिलिंग करने की हम लोग को आवश्यकता पड़ती है, जो एरोसॉल्स हैं ड्रिल से निकल रहे हैं बोन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि वायरस तो पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो वो जो एरोसॉल्स हैं मेरे सांस के द्वारा अंदर जाके मुझे भी खतरा हो सकता है कि मुझे कोरोना का प्रकोप हो जाए। तो इसलिए हम जो भी अभी सर्जरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सर्जरी अभी नहीं कर रहे हैं कोरोना पीरियड में, कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव सर्जरी, बहुत ही डायर इमरजेंसी है वैसी सर्जरी हम कर रहे हैं। अभी भी मरीज की सर्जरी कर रहे हैं, आज ही मेरी शाम को 1-4 बजे सर्जरी है, तो लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव पेशेंट्स में जिनको बिल्कुल आवश्यकता है, और स्क्रीन करके कि ऐसे पेशेंट जिनको कोई लक्षण नहीं है, फीवर के कोई लक्षण नहीं है, खांसी नहीं है, या जरूरत पड़ रही है पेशेंट को, तो हम उनको स्क्रीन करा रहे हैं, टेस्ट कराने के बाद फिर उसकी सर्जरी कर रहे हैं। जी, हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं सतना से, रोहित। रोहित बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल था कि जैसा कि मैम ने बताया कि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है कोरोना की, कोई दवाई नहीं है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ठीक हुए हैं, तो ऐसी क्या ट्रीटमेंट आपने मरीजों को दिया जो इतनी ज़्यादा संख्या में ठीक हो गए कोरोना के मरीज? बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने, लॉजिकल क्वेश्चन किया। देखिए जहाँ तक वैक्सीन का पहला आपका क्वेश्चन था कि वैक्सीन और दवाई नहीं है, तो मैं पहले क्वेश्चन का आपका जवाब देना चाहूंगा। वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, यूएस में ट्रायल स्टार्ट हो गया है, यूके में ट्रायल स्टार्ट हो गया है वैक्सीन का, लेकिन इसका एक डाउन साइड या अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि वैक्सीन बनने का जो मिनिमम टाइम होता है वो लगभग 1.5 साल से 2 साल होता है। ऐसा इट्स नॉट लाइक कि हम ओवरनाइट वैक्सीन बनाएं और उसे मार्केट में थ्रो कर दें कि आप लगाएं मरीज को। बहुत सारे मल्टी स्टेज ट्रायल होते हैं, बहुत सारे मरीजों पे ट्रायल होता है, उसकी इफिकेसी कंफर्म होती है, उसके बाद ही वो दवाई मार्केट में आती है। वैसे ही वैक्सीन है, जैसे मैंने कहा मिनिमम 1.5 से 2 साल का पीरियड होता है वैक्सीन को सक्सेसफुल ट्रायल के बाद मार्केट में प्रैक्टिकल यूज करने का। तो वैक्सीन ट्रायल चालू हो गया है बट अनफॉर्चुनेटली टाइम लगेगा, तो वैक्सीन वाला क्लॉ अभी के स्थिति में तुरंत हट गया। दूसरा पार्ट होता है दवाई का,
तो कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि आपने अभी सुना होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का नाम काफी सुना होगा, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट है, क्योंकि बहुत सारी जगह में इवन यूएस जैसा देश जो कि सारी जो उसकी बातें होती हैं पुख्ता बातें होती हैं, डेटा बेस्ड बातें होती हैं, प्रैक्टिकल बातें होती हैं, ये यूएस यूज कर रहा है, उन्होंने भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की दवाई मंगाई भी है, यहाँ पे भी इंडिया में बहुत सारी मरीज जो कोरोना पॉजिटिव है उनको दिया गया, तो ये देखा गया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन देने के बाद मरीज की कॉम्प्लिकेशन कम हुआ, मरीज कोरोना वायरस का जो बाद में टेस्ट हुआ उससे निगेटिव हुआ, डेथ रेट कम हुई। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की एफिकेसी है, लेकिन अभी भी कंप्लीट रूप से प्रूव नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव नहीं कि 100% इसकी एफिकेसी है। दूसरा, क्योंकि कोरोना एक वायरस है, कोविड-19 इज वायरस, तो उसके लिए एंटीवायरल ड्रग का भी कुछ ट्रायल चल रहा है, रेडमिविर एक नई एक बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हैं, अपने देश में तो नहीं हुआ यूज, लेकिन यूएस में और यूके में, यूरोप के कुछ पार्ट में इसका यूज हुआ है रेडमिविर का, तो उसके भी बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हैं, और होपफुली बहुत जल्दी ही कुछ ऐसी दवाइयां निकलेंगी जो कि मरीज को ठीक करने में, मरीज को कॉम्प्लिकेशन से बचाने में हेल्प करेंगी। दूसरा आपका प्रश्न था कि ये छत्तीसगढ़ में नंबर ऑफ केसेस कम है, तो डेफिनेटली मैं राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके कार्य की सराहना करना चाहूंगा कि बहुत सक्सेसफुली उन्होंने लॉकडाउन को इम्प्लीकेट किया, बहुत जल्दी उन्होंने केस को डिटेक्ट किया, नंबर ऑफ जो डिटेक्शन रेट है हमारी काफी हाई थी, और उसके कारण हमको जितने भी केसेस हैं वो पॉजिटिव मिले, उन पॉजिटिव केस को क्वारंटाइन करके, ट्रीटमेंट करके, निगेटिव करके फिर उनको घर भेज दिया गया। जो तीसरा कारण मुझे समझ में आता है कि वो हर यूनिवर्सली, मतलब हमारे अक्रॉस द इंडिया जो एप्लीकेबल है, कि हमारे यहाँ जो बीसीजी वैक्सीनेशन होता है, बीसीजी वैक्सीनेशन का अगेन वर्ल्ड में एक डेटा अभी आया है कि जिन जिनको जिस देशों में, खासकर एशियन कंट्रीज में बीसीजी वैक्सीनेशन का प्रचलन है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस होती है, बीसीजी जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए अगेंस्ट में यूज किया जाता है, तो ऐसे देश जहाँ पे बीसीजी वैक्सीनेशन हुआ है बचपन में, तो ऐसे देश में कोरोना मरीज की संख्या कम है, तो ये माना जा रहा है कि बीसीजी वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं कोरोना के अगेंस्ट में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। प्लस छत्तीसगढ़ में एक और पॉजिटिव चीज थी जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मैं बात कर रहा था, हमारे यहाँ बहुत सारे एंडेमिक जोन हैं मलेरिया के, बहुत सारे जो रूरल एरियाज हैं, ट्राइबल बेल्ट हैं, वो बहुत सारे एंडेमिक जोन हैं, तो ऐसे जगह के मरीज हर जगह को कभी ना कभी लाइफ टाइम में मलेरिया हुआ है, और वो मरीज क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का सेवन किया हुआ है, और वो दवाई कहीं ना कहीं कोरोना के अगेंस्ट में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की है, तो ये एक इनडायरेक्ट इविडेंस है। तो इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या काफी कम है। जी सुशील जी, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है आपसे कि हम लोग सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी खबरें देख रहे हैं जिसमें ये दावा भी किया जा रहा है कि भारत में कोरोना से लड़ने की जो दवाई है वो बन चुकी है। ये सिर्फ भ्रांतियां हैं या इसके पीछे भी कोई सच्चाई है? ये भ्रांतियां हैं, जैसे मैंने अभी दवाइयों के बारे में कहा कि कोई भी दवाई अभी तक नहीं है जो जी प्रूव्ड है, ये सारे एनेक्डॉट बोलते हैं, एनेक्डॉट मतलब कुछ ग्रुप ऑफ डॉक्टर ने, ग्रुप ऑफ लोगों ने वो उस चीज का ऐसी कैसी देखी और अपने बारे को चीजों को पेपर में, न्यूज़पेपर में या अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश किया है, बट एक यूनिवर्सल या साइंटिफिक डाटा की बात, डेटा की बात करूंगा तो ये प्रूवन नहीं है, और जो दवाइयां यूज की जा रही हैं अभी तक मरीज में, इंडिया में या सब जगह दो प्रकार की दवाइयां यूज की जा रही हैं, एक तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, दूसरा एंटीवायरल ड्रग जो कि एचआईवी के पेशेंट्स में दी जाती है, एचआईवी के, क्योंकि एक ये जो वायरस की, ये भी वायरस है, एचआईवी भी है, वायरस से होती है, जी और कोरोना वायरस और एचआईवी वायरस, कोविड-19 और एचआईवी वायरस का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है काफी मिलता जुलता है, तो ये अज्यूम करके कि ये दवाई एचआईवी में भी काम कर रही है तो कोविड-19 में भी काम करेगी, तो वो दवाई दी गई, लेकिन इट्स ब्लाइंड ट्रायल, अभी तक लैब में ये प्रूफ नहीं कि ये दवाई उसके लिए 100% कारगर है। जी और अभी जो हालात हम देख रहे हैं कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कई स्वास्थ्य कर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, पुलिस कर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? कारण यही कि असावधानी, तो जैसे आपने शुरू में कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है सावधानी बरतना, जी नजर हटी दुर्घटना घटी, तो हम अभी क्या लॉकडाउन का लगभग 1 महीना हो गया है और नंबर ऑफ केसेस जैसे यहाँ कम है, हम जहाँ लापरवाह हुए
तो हो सकता है कि हमको भी हो जाए। जो पुलिसकर्मी मुझे पुलिस कर्मियों की मैं दिल से सराहना कर रहा हूँ, कोरोना में उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा योगदान दिया और लॉकडाउन को सफल बनाने में अपना सर्वोच्च निछावर किया है, और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन मेरा बाकी लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि कृपया करके हीरो बनने की इस मामले में कोशिश ना करें, क्योंकि कोरोना और या कोविड-19 एक वैसा वायरस है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो अज्ञात शत्रु है। जब भी हमारा जो एनिमी है इनविजिबल हो, तो बेहतर होता है कि हम बहुत ही छुपके उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो जब भी हम बाहर निकल रहे हैं, जरूरी काम से बाहर निकलें, अभी भी मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइजर जो भी मिलता है या साबुन से हाथ धोने का बिल्कुल करें। घर पहुंचते हैं पहले वॉश करें, लोगों से जबरदस्ती लोगों से मिलने की कोशिश ना करें, हाथ ना मिलाना, नमस्ते करना, ये जो बेसिक बेसिक जो चीजें हैं जो प्रिवेंशन की, वो प्लीज फॉलो कीजिए। जी सुशील जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आलोट से हैं अशोक। अशोक बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, बताइए आपका सवाल। सर डॉक्टर साहब, निवेदन है कि मेरी उम्र तो 64 साल की है और मुझे एलर्जी है जो कि 8 अगस्त से लगाकर दिसंबर तक रहती है, और इसमें मैं पंप वगैरह का उपयोग करता हूँ, सांस लेने में तकलीफ आती है, तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? सर आई एम सॉरी टू से, जो एक डेटा है, जो एक अभी जो पेशेंट कोरोना वायरस के लिए ज्यादा ससेप्टिबल है, उसमें से एक रेस्पिरेटरी डिजीज वाले, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जिनको है, जिनको कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज है, जिनको कैंसर है, या किसी अन्य प्रकार की दवाइयां खा रहे हैं, या ऐसी बीमारी है जिससे उनकी इम्यूनिटी कहीं अफेक्ट हुई है, जिसमें कि रेस्पिरेटरी डिजीज भी है, तो ऐसे मरीज को कोविड-19 से थोड़ा ज्यादा बचाव की जरूरत है। ऐसे मरीज ज्यादा ससेप्टिबल है, तो आपको जो परहेज रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब भी बाहर निकल रहे हैं ऐसे समय में, कुछ काम के लिए अगर जाना भी पड़ रहा है, अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके जाएं, मास्क अच्छे वाले मास्क का इस्तेमाल करके जाएं, और मैं आपको पर्सनली N95 मास्क रिकमेंड करूंगा। अगर मिल सकता है आपको तो कम से कम डबल लेयर के, दो लेयर के मास्क लगा के जाएं, और किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलना, किसी भी जो भी आपके कॉन्टैक्ट होता है, बहुत दूर से उससे मिलें, पूरे प्रिकॉशन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णता पालन करें, क्योंकि आप थोड़े ससेप्टिबल हैं, क्योंकि आपको रेस्पिरेटरी डिजीज है। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ में सुजालपुर से जुड़ गए हैं, आदर्श। आदर्श बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, बताइए आपका क्या सवाल है? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिलासपुर से हैं आदर्श हमारे साथ में। आदर्श क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आदेश से हमारा संपर्क टूट गया है। सुशील जी वापस आपके पास मैं आऊंगी कि शुरुआती दौर में हमने देखा था कि कई जगह ऐसे दावे किए जा रहे थे कि जिनकी उम्र कम है उनको कोरोना से कम खतरा है। फिर कई सारे ऐसे केस सामने आए जिसमें देखा हमने कि कोई 33 साल का युवक है जिसकी डेथ हो गई, फिर ये कहा गया कि इसमें इतनी सच्चाई नहीं है। उसके बाद में अब हम ये देख रहे हैं कि जिनको पहले से कोई बीमारी है उन्हीं पर ज्यादा हावी हो रहा है कोरोना। तो क्या इसे मान लिया जाए कि जिनको पहले से कोई बीमारी है उन्हीं को ज्यादा खतरा? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं, विजय कुमार बिलासपुर से। विजय बताइए आपका क्या सवाल है? हाँ डॉक्टर जी, आपको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद। आप नमस्कार। मैं भी एक बीमार आदमी हूँ, जेल गया था तो मेरे को MRI कर रहा है, MRI करने का पैसा लगता है, लेकिन कुछ सरकारी कंपनी में जब हम काम करते थे वो जमा राशि है वो देने को फिकर कर रहे हैं। अगर ये जो कोरोना है इसके लिए जो हमारे पे महामारी है, हम जो उसके फाइट कर रहे हैं, लेकिन गरीब गरीबों को असर पड़ रहा है, और जिनके पास घर किसे में पैसा है उसको कुछ नहीं है। तो मैं आपको प्रार्थना करता हूँ सरकारी कंपनी में उनकी राशि जो जमा है वो स्टेट बैंक में जमा करे, अगर है तो। अगर मैं सत्य बोल रहा हूँ तो आप डॉक्टर साहब, आपको हम MRI करेंगे, हमारी बीमारी कमी होगी। अभी ये बीमारी है तो फिर कोरोना में आया हमारे पास, इसीलिए हम ये महामारी से लड़ाई कर रहे हैं, तो लेकिन इसमें सत्य होना बोल रही है यही। नमस्कार सर,
जी सर, धन्यवाद, आप इतने जागरूक हैं, मुझे गर्व है कि आप इतने जागरूक नागरिक हैं, दूसरों का भी आप अपने साथ दूसरों का भी ध्यान रख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जो आपकी ये समस्या है, दूसरों के लिए जो आप आपका कंसर्न है, वो संबंधित अधिकारी तक पहुंचेगा। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं इंदौर से, रमिक। रमिक बताइए आपका सवाल क्या है, और स्वराज सेहत में बहुत स्वागत है आपका। मैडम धन्यवाद, सबसे सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सुशील शर्मा जी को करना चाहूंगा और उनके माध्यम से समस्त डॉक्टर वर्ग को, नर्सेस को, हॉस्पिटल स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। अब इस संसार सहायता कर रहे हैं, जिनका हॉस्पिटल्स और सड़क पे काम कर रहे हैं। सवाल बताइए आपका। डॉक्टर साहब ने बताया डोमेस्टिक सर्वेंट्स को अगर फ्रेंड्स डोमेस्टिक पाइया हैं वापस रख सकती हैं, सिर्फ इतना कर पे वो मास्क लगाकर आए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही रमेश जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ सकते सर, आपकी आवाज क्रेक हो रही है। उन्हें हाथ लगाकर अपने हाथ नंबर हाथ लगाते हैं और आपके सकते हैं, तो क्या ये संभव है? सर मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपकी आवाज ठीक से आपके प्रश्न को नहीं सुन पा रहा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ सही आप। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही रमेश जी? चलिए एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं रामगढ़ से, रमेश है। रमेश बहुत माफ कीजिएगा, प्रमोद जुड़े हैं हमारे साथ में शामगढ़ से, स्वराज सेहत में बहुत स्वागत है प्रमोद आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। जी बताइए, सवाल बताइए अपना। जी नमस्कार सर। हाँ डॉक्टर साहब, ये अभी जो अपने टेस्ट का जो चल रहा है सर, तो ये जी हाँ सवाल ये है कि साहब ये अपना टेस्ट जो चल रहा है कोरोना का रैपिड टेस्ट, तो ये रोज कितने टेस्ट हो रहे हैं? सर ये डिपेंड करता है कि कौन से देश के किस भाग में आप हैं, तो गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइन फिक्स की हुई है कि जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है हर किसी का टेस्ट करना, क्योंकि आज के सिनेरियो में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे टीवी चैनल में गया, हर किसी का प्रश्न ये होता है मुझे सर्दी हो गई, क्या मुझे कोरोना हो सकता है क्या, तो हर व्यक्ति चाहता है मेरा कोरोना का टेस्ट हो, लेकिन गवर्नमेंट की फिक्स गाइडलाइन है कि कौन से मरीज या कौन से व्यक्ति जिनको ये अमुक अमुक लक्षण है वो कोरोना का टेस्ट उनको कराना चाहिए। तो और दूसरा एक गाइडलाइन है कि जिस क्षेत्र में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हैं तो वहाँ कुछ एक मॉप राउंड होता है, मॉपिंग राउंड होता है कि जो कॉन्टैक्ट है, जो जिस व्यक्ति को हुआ है उसके घर के आसपास के पर्टिकुलर परिधि तक के सारे लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। तो एक हम ब्रॉडली नहीं बोल सकते कि प्रतिदिन कितने लोगों का टेस्ट हमको कराना चाहिए, तो जैसे अभी ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में जो नंबर ऑफ टेस्ट कर रहे हैं वो अंडर टेस्टिंग है, अंडर टेस्टिंग के कारण हो सकता है कि जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम प्रोजेक्शन है, जो लगभग 20 से 21,000 के लगभग 21,000 के आसपास आज की डेट में हैं, वो अगर हम नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाएं तो हो सकता है बहुत सारे मरीज जो कोरोना से पीड़ित हैं, जो कोरोना से प्रभावित हैं, वो उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा। जी सुशील जी, मेरा सवाल आपसे था कि पहले कहा जा रहा था कि जिसकी उम्र कम है उसको खतरा कम है, पर अब हम जो हालात अभी बने हैं देश में उसमें देखा जा रहा है कि जिनको पहले से कोई बीमारी है उन्हीं को ज्यादा खतरनाक ये साबित हो रहा है, क्या अब ये मान लिया जाए कि जिनको पहले से कोई डिसीज है उन्हीं के लिए ये ज्यादा खतरनाक है और बाकी जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं है वो बच सकते हैं कोरोना से? देखिए दो कैटेगरी में बांटना चाहूंगा मैं इसको, जो ओवरऑल जो डेटा कहते हैं, क्योंकि सारी चीजें हम डेटा बेस बात होती है, जो अब हम यूएस की बात करें, मैं हम बात करें जो सबसे ज्यादा अभी जो केसेस हुए थे स्पेन में हुए हैं, तो उस जगह पे जो मीन एज है, जो एवरेज एज है वो लगभग 65 साल की एज है मीन एज, और हमारे देश में
सिर्फ 0.8% लोग हैं जो 80 साल की उम्र से ज्यादा हैं और 75% जो है 40 इयर्स के कम आयु के लोग हैं। तो एक ब्रॉडली मैं बात करूं, एज रिलेटेड जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यंग लोगों में ज्यादा होती है, ये तय बात है। अब कुछ केसेस ऐसे मिले हैं जो न्यू बॉर्न में भी हुए हैं, कुछ केसेस हुए हैं जो एक यंग 20 साल के और या 29 साल या 30 साल के लोगों में हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दो कारण हो सकते हैं ऐसे लोगों में होने के, 100% एज के कारण इम्यूनिटी नहीं है, ये तय बात है कि मैं यंग हूँ, मेरी उम्र 20 साल है, मुझे कोरोना नहीं हो सकता, ये गलत बात है। तो वायरल लोड हो सकता है कि जो एक्सपोजर हुआ, जिस व्यक्ति से मेरा एक्सपोजर हुआ, जो जिसके कॉन्टेक्ट में आया हूँ, उसका वायरल लोड बहुत ज्यादा रहा हो, तो बहुत ज्यादा मात्रा में मैंने वायरस को इनहेल किया है, अपने शरीर में लिया है, तो मुझे कोरोना हो गया, इंस्टीट मैं यंग हूँ। दूसरा रीजन जो है, जैसे मैंने अभी कुछ चीजें बताई थी कि अगर किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके कारण इम्यूनिटी लो गई है, या कैंसर है, तो ऐसे लोग को इंस्टीट वो यंग है, उनको कोरोना होने का या कोई भी बीमारी होने का खतरा ज्यादा है इन्फेक्शियस डिजीज का। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है कि यंग पेशेंट में भी कोरोना के लक्षण देखने को मिले हैं। लेकिन ग्रॉसली मैं बात करूं, डेफिनेटली यंग लोगों में, जवान लोगों में कोरोना या किसी भी इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। सुशील जी, आप हमारे साथ में जुड़े और कई तरह की आपने जानकारियां साझा किया, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कोरोना को लेकर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, एक तरफ लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं, तो वहीं लोगों के मन में कोरोना को लेकर कई सारी गलतफहमियां भी पैदा हो रही हैं, और सोशल साइट्स की बात करें तो कई सारी ऐसी जानकारियां भी वायरल हो रही हैं जो कि मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। उम्मीद करती हूं कि आज के इस एपिसोड से आपके कई सारे ऐसे डाउट्स होंगे जो क्लियर हुए होंगे। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। We'll be right back.